एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है पीरियड पेन से रिलीफ कैसे मिले, पीरियड में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पैड कौन से यूज करें, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिससे पेन थोड़ा सा कम हो सकता है, टेबलेट खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हेल्प मिल सकती है उनको इस वीडियो से थोड़ा, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। मैंने जो भी थोड़ा सा सर्च किया है और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैंने क्या किया अपने पेन को कम करने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर गाइस मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली कंडीशन हो जाती थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस पेन से कैसे रिलीफ पाया है वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। क्या खाना चाहिए, चलो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए और हरी सब्जियों में आपको पालक खाना चाहिए। उसमें आयरन होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हमें पेन में रिलीफ मिलता है। एंड सेकेंड नंबर पर आप खा सकते हैं डार्क चॉकलेट जो कि काफ़ी अच्छा होता है। एंड उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप वो खा लेंगे ना तो उसमें सारे गुड़ हैं, उसमें अगर आप गुड़ खाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। पीरियड में गुड़ जरूर खाना चाहिए और अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको गुड़ खाना है। गुड़ आप अगर आपको ऐसे नहीं खाया जाता तो आप गुड़ को दूध में डालो, थोड़ा सा हल्दी डालो, गर्म करो और पी जाओ। इस तरीके से भी आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा एंड ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। ये शिकायत है अगर आपको कि ब्लड कम आता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो आप गुड़ ज़रूर खाएं, गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे गुण मिलते हैं। गुड़ में सादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा वार्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। वैसे भी विंटर का टाइम चल रहा है तो आपको हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन पीरियड के टाइम पे स्पेशली आपको गर्म पानी पीना है। तो चलो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था ना कि मेरी हॉस्पिटल ले जाने वाली कंडीशन हो जाती थी। सबसे पहली बात, आपको पीरियड में कभी भी इस तरीके से लेटना नहीं जैसे हम लेट जाते हैं, दो दो दिन हम उठते नहीं। ये हमारी सबसे बुरी हैबिट होती है जो मैं पहले करती थी, बट मेरी मामी जी ने मुझे ये सिखाया, मुझे बताया कि भाई पीरियड के टाइम पे ऐसे लेटते नहीं हैं, भाई उठो, वॉक करो, थोड़ा सा टहलो। जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सिर्फ उसी टाइम पे लेटे रहो, बाकी टाइम पे आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो हमारा रेगुलर रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि जब आप बैठे रहते हो एक ही जगह तो ब्लड इतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है एंड बॉडी आपकी फिर वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, अपने बॉडी को ऐसे रेस्ट नहीं देना है कि एकदम लेट जाओ तो दो दिन तक लेटे ही रहो। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है अगर आप करते हो तो, आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है, ऐसे टाइम पे बैठना नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड बात कि आपको गर्म पानी पीना है, ये मुझे मेरी आंटी ने सिखाया है कि आपको थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही सादा पानी पीती थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता था, पेन से तो रिलीफ मिलता ही नहीं था। जब से मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया इस टाइम पे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड डिफरेंस जो है, अंतर जो है ना, साफ साफ समझ आता है। और जो गुड़ खाने वाली बात है ना, वो भी मुझे मामी जी ने बताई थी कि अपना गुड़ खाया करो। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने गुड़ खाना शुरू कर दिया एंड उसके बाद से मेरे पेन में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया। मतलब धीरे 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 पेन कम होता गया और जो ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि गुड़ में आयरन होता है और ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलर यूज़ करोगे, आप 2 से 3 महीने आप यूज़ करके देखिए, आपको अंतर साफ साफ समझ आ जाएगा गाइस एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है, आप भी एक बार फॉलो करके देखिए और आपको क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन से पैड्स यूज़ करना चाहिए। सबसे अच्छा तो आता है वही हमारा विस्पर, ये वाला पैड सबसे बेस्ट आता है। फ्लाई एंड ट्राई का 2 साल पहले मेरे पास इनका प्रमोशन आया था, बट हमें पता नहीं होता कि हमें कोई चीज़ इतनी अच्छी निकलने वाली है। सो जस्ट एज अ प्रमोशन मैंने उस चीज़ को लिया था, बट आज के टाइम में ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब काफ़ी अच्छे पैड है, एब्जॉर्बेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है एंड हमें ऐसे ही पैड चाहिए होते हैं जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब करें। पहले ये वाले यूज़ करती थी, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो पेन रिलीफ करते हैं, मतलब दर्द को थोड़ा कम करते हैं। आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, बट जो मैंने पढ़ा है, जो इसके रिव्यूज़ देखे हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया है।
सो गाइस ये रहा पूरा वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करिएगा बहनों के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको भी इस तकलीफ दर से गुजरना पड़े, क्योंकि ये पेन बहुत बुरा होता है, बहुत भयंकर होता है, क्योंकि मैंने इसको झेला है एंड हम सब लड़कियाँ इस तरह से गुजरती हैं एक ना एक दिन। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।